एक दो पाउंड ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अभी तो बुराइयां कर रहे हैं। पहले जाएंगे सीधा गोश्त के पास, आटा भी मैं उठा लूंगा, तुम गोश्त पे जाना, मैं आटे पे जाऊंगा। वैसे ना उस्मान लोगों को लगता है हम बड़े मजे कर रहे हैं, पूरी सीढ़ी हिल रही है। अच्छा यहाँ ना मैं देख रही थी मुझे पानी पूरी मसाला चाहिए था, शान का वो नहीं मिल रहा। उस्मान पूरा तो डालो, टूटा हुआ तो ना डालो। पुली बन गए। उस्मान आपको अच्छी डगरी भी। ऐसी सर्दी है, मेरा नाक लाल, मेरी आंखें लाल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं और मैंने ना रात को दाल बनाई थी, थोड़ी सी बस रखी हुई थी, दो दालें मिक्स करके, और वो मैंने बना ली थी। तो अभी नाश्ते में मैंने वो भी गर्म की, उसके साथ मैंने जो है वो एग्स बनाए, उस्मान के लिए दूसरा वाला बनाया, दूसरे तरीके वाला, अपने लिए दूसरे तरीके वाला बनाया, क्योंकि उनको जो अच्छा लगता है उनके लिए बना लिया, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो बना लिया। तो दो दिन जो है ना वो हमें ठंड इतनी ज़्यादा लगी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी ब्रेड, गोश्त और आटा हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। तो हमने कहा कि चलो हम लोग जो है ना वो निकलेंगे आज लेने के लिए। अच्छा जी, ये मैं लेकर आई थी आल्डी से, और ये मैं अभी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं ना, तो ये मैं ट्राई करने के लिए लाई थी, और ये इतने ज़्यादा मज़े के हैं कि जैसे निम्को होती है ना हमारी देसी वाली, तो मुझे तो वैसे ही फील आई, वैसे ही टेस्ट आया, बहुत ही मज़े के हैं। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी और अभी मैं इसको फिल करके रख रही हूँ। तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं एक टेबल स्पून डेली खाती हूँ। वैसे पहले तो बहुत ज़्यादा खाते थे, स्पेशली सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मैंने खैर कंट्रोल किया हुआ है। कोई भी नट्स हो मैं डिफरेंट खाती रहती हूँ, डिफरेंट बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूँगफली हो गई, लेकिन यह है कि एक टेबल स्पून लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती डेली। तो खैर ये मैंने फिल कर दिया, इसको मैं टेबल पर रख देती हूँ, और फिर हम दोनों जो है ना वो उस्मान भी और मैं भी हम इतना ही लेते हैं। सर्दियों में नट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर ये मैंने शेयर करना था, उसके बाद मैं तैयार हुई और अभी हम लोग निकल रहे थे, हमने चीज़ें लेनी थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे देखा तो गाड़ी के जो टायर है ना उसमें हवा ही नहीं थी। फिर हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं ट्रेन पे या बस पे, और आटा जो है ना वो ज़रूरी लेना था, वो लेकर आते हैं। प्रेस तो करो। उस्मान कितना महंगा होगा, 12 का था, एक दो पाउंड ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अभी तो मेरी बड़ी बुराइयां कर रहे थे, तुम तैयार हो रही हो, तुम ये हो रही हो, लाइट्स कितनी अच्छी लगी। सवा सात वहाँ पहुँचाएगी, 7:30 हम वहाँ पहुँचेंगे, पीछे आधा घंटे ही हम कर लेंगे सारा कुछ। हाँ पहले जाएंगे सीधा गोश्त के पास, आटा भी मैं उठा लूँगा, तुम गोश्त पे जाना, मैं आटे पे जाऊँगा। हाँ। तो खैर हम लोग भाग 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 के आए स्टेशन की तरफ, स्टेशन हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, बस जो है वो नहीं थी, कोई आ भी नहीं रही थी, अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वैसे तो होती है लेकिन अभी नहीं आ रही थी। रात को वैसे भी 8 बजे के बाद जो है ना वो हमारे घर के साथ से नहीं जाती हैं। तो खैर स्टेशन पे आए, यहाँ पे ट्रेन थी और इतना भागे क्योंकि 5-6 मिनट रहते थे, इस तरह से थोड़ा सा टाइम रहता था, तो भाग भाग के हम आए और शुक्र है कि ट्रेन भी उस टाइम पे आ गई। फाइनली जी ट्रेन आ गई है हमारी, टाइम पे पहुंच गए थे शुक्र है, और वापसी पे नहीं है ट्रेन, पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन बस पे ही आएंगे, कोई और बस पकड़ेंगे, हमारे घर के साथ वाली बस भी नहीं आ रही, चलते ही रहेंगे सामान उठा के लगता है। तो ये देखें जी ट्रेन आ गई है हमारी, आज ट्रेन काफी गर्म है माशाल्लाह से, ऐसे लग रहा है हीटर लग रहे हैं, बहुत ठंड थी से। भागो भागो आटा लेने और गोश्त लेने, भागो रात के टाइम।
वैसे ना उस्मान लोगों को लगता है हम बड़े मजे कर रहे हैं। उस्मान मुझे एक दिन कहते हैं, उन्हें कहो हमारी वाली लाइफ गुजार ले, मजे पता चल जाएंगे। हाँ, हम लोग ना हलाल के ढूंढने के पीछे और आटे के लिए और गोश्त के लिए और कहाँ कहाँ हम लोग ऐसे ही जाते हैं। ट्रेन जा रही है जी। और हम रातों को जा रहे हैं आटा और गोश्त लेने। पता नहीं इतना वजन उठा के वापसी पे क्या करेंगे, ट्रेन है ही नहीं। क्या हुआ? मैं उनसे चेक कर लेता फोन करके। ओके, यहाँ पे ना ऐसे स्टेशन होते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे ऊपर और फिर हम जाएंगे वहाँ पे मेन रोड पे। और यहाँ पे ऐसे अंधेरा होता है ना, टनल्स होती हैं और बड़ा अंधेरा होता है। खैर सेफ है, ऐसी बात नहीं है, वैसे डर लगता है। ये देखें, पूरी सीढ़ी हिल रही है। दिस इज, अल्लाह माफ करे, जलजला आ गया। चलो जी भागे, क्या कर उसने है ट्रेन कैसे, वो तो सब कह रहे नहीं है। तो हम लोग भाग भाग के ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आधा घंटा है, आधे घंटे में जल्दी जल्दी करते हैं। सब ख़त्म हो गया लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो हमें गोश्त जो है ना दे रहे हैं। बस थोड़ा सा ही लेंगे, जितना उठा सके, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे इस बार। लेकिन फिर भी लैम चिकन वो सब कुछ ले रही हूँ मैं, तो मैं बाकी चीज़ें ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ ना मैं देख रही थी, मुझे पानी पूरी मसाला चाहिए था, शान का वो नहीं मिल रहा मुझे, नहीं है मेरे ख्याल में, कहीं नहीं मिल रहा। बाकी तो मैंने ले लिया मसाले लेकिन वो नहीं मिल रहा। हाँ नहीं है ना पानी पूरी, नहीं नज़र आ रहा। चलो बस फिर इतना हम उठा भी सकेंगे तो। ये कौन सा है, चना, चना मसाला। इस बार यही ले लें, देखो एक उठाओ कितने का, ये नहीं पता प्राइस तो नहीं लिखी है। लिखा हुआ नहीं, वो चिली का कुछ है, चिली लेमन है। आज मिक्स अचार ही कोई नहीं मिल रहा। ये एक अहमद का रखा हुआ है, रिक्शन ग्रीला का। उस्मान पूरा तो डालो, टूटा हुआ तो ना डालो ना, ये अच्छे वाले डालो, ये जो अच्छे पड़ेंगे एक डालो। 2 for 130 और एक कितने का, 3। अच्छा डाला है ना, बस ठीक है डाल दो। सारी सब्जियां ले ली हैं और बैंगन जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बैंगन ले लेते हैं बस थोड़े से, बड़े मज़े के आए हैं फ्रेश फ्रेश से। हम लोगों ने जल्दी जल्दी से चीज़ें ले ली हैं और 8 बज गए, ऑलमोस्ट बज गए हैं। तो हम लोगों ने सब्ज़ी भी ले ली है, मीट भी ले लिया है और मसाले भी ले लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ले ली हैं, आटा भी ले लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए, बहुत अरसे के बाद आए हैं। अक्सर हम लोग आते थे तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती थी, तो आज हमने कहा चलो खाना खा के और फिर हम आराम से जो है ना वो यहाँ से जाएंगे। तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, हमें यहाँ की कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, वो हमने ऑर्डर किया, तो वो खा के और बस फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। खाने का हमने ऑर्डर दे दिया क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो हमने कहा बस सब खाना खा के जाते हैं। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी और ट्रेन में अभी टाइम भी था, वैसे हमें ट्रेन मिली नहीं थी, उन्होंने हमें कहा कि है लेकिन ट्रेन नहीं मिली थी। तो फिर हम आधा घंटा और चल के बस स्टॉप तक गए थे, तो काफ़ी लंबा जो है ना वो यहाँ पे आज हिसाब रहा हमारा। अच्छा जी, ये चीज़ें मैंने कुछ ली हैं, हमने उतनी चीज़ें ली जो कि हम लोग साथ लेकर आराम से उठा के जा सकें। एक बड़ा वाला बैग मैंने उठा लिया था और बहुत ज़्यादा हम चले। और ये वाला अचार मैंने लिए क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी, मुझे नहीं मिला था, मैं कब से अचार लेना चाह रही थी। अचार बड़ा अच्छा लगता है, आप रोटी के साथ, चावलों के साथ खाएं और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर आज मुझे ये वाला मिल गया, बड़ा वाला मैं लेना चाह रही थी। छोटा वाला और बड़ा वाला जो है ना प्राइसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता, फिर वो ख़त्म भी हो जाता। मैंने कहा ये वाला ठीक रहेगा क्योंकि मुझे अचार काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये खैर हमने कुछ चीज़ें ली, मैंने कहा चलो जब तक खाना आता है मैं आपको यहीं पर दिखा दूँ। और एक बैग उस्मान के साथ रखा हुआ है जिसमें सारा मीट लिया है, मटन चिकन और ये सारी चीज़ें हमने ली, आटा जो है वो भी ले लिया, शुक्र है। तो बस हमने बहुत ही जल्दी में, आई थिंक 10 मिनट में या 12-15 मिनट में हमने इतने में बस जल्दी से चीज़ें उठाई। और उसके बाद अभी टाइम था, एक घंटा था, तो हमने कहा कि चलो हम यहाँ पे आराम से खाना खा लेते हैं। अच्छा वैसे हम यहाँ पे आते हैं ना तो बड़ा रश होता है और खाना हमें यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम आए तो रश भी नहीं था। पता नहीं रश क्यों नहीं था, पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर रश नहीं था। लेकिन यह है कि खाना भी आज थोड़ा सा इन्होंने हमें ज़रा लेट करके दिया, लेकिन खैर खाना इनका अच्छा होता है। लेकिन आज शायद मैंने चीज़ें ये कम कर दी हैं, छोड़ दी हैं, तो मुझे बटर ऑयल वगैरह ज़रा ज़्यादा लग रहा था,
लेकिन टेस्ट इनका नो डाउट काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे खैर अब हम थक के बैठे थे और उस्मान देख भी रहे थे कि अब बस जाएगी, ट्रेन जाएगी, किस पे जाएंगे, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे। खाना आ गया जी इनका। ये चिकन कढ़ाई हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऑयल निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। उस्मान भी अब कम खाते हैं और मज़े की बात है इस पे भी ऑयल है। चले आज खा लो, बिस्मिल्लाह करो, निकले फिर इसको खा के हम। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, हम खाना खाते हैं। बड़ी भूख लग रही थी लेकिन ये ऑयल मैं नहीं खा रही, इसका कुछ करते हैं। नहीं ये वाला ऑयल, ये कुछ करें इसका, ये बटर है, मैं बटर भी नहीं खा रही। तो कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा मक्खन था, घी था, बटर था, जो भी था, तो वो मैंने तो जितना निकाल सकती थी ना मैंने निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा थोड़ा लगा के खाऊं, क्योंकि वैसे आपको ये चीज़ें अगर आप नॉर्मल रोटी सालन खाओ तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक्स्ट्रा फैट लें तो वो अच्छा नहीं होता। तो मैं आजकल थोड़ा सा ख्याल करती हूँ, डाइट वगैरह कोई नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा मैं केयर करती हूँ, ज़रा हेल्दी साइड पर रहूँ। अच्छा जी, तो खैर अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद मैं आपको बताऊँ हमने इतनी दौड़ लगाई सामान उठा के, और ट्रेन के लिए हम गए, ट्रेन हमें नहीं मिली। फिर उसके बाद हम काफ़ी आगे चल के गए, बस स्टॉप तक गए, वहाँ भी हमने आधा घंटा वेट किया, लेकिन शुक्र है कि फिर हमें बस मिल गई थी। और ये है कि ये यहाँ पे स्ट्रगल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी तो बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ बन रही हैं। अच्छा टाइम भी आता है, मुश्किल टाइम भी आता है, लेकिन ये है कि जिनको लगता है ना बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए शेयर करती हूँ। हाँ मुझे अच्छी लगती है अभी भी, ये दूसरी पीली है स्ट्रीट लाइट्स। तो जी सामान लेके और हम लोग जा रहे हैं, ये देखें सामान, गाड़ी है नहीं, स्टेशन पे जा रहे हैं। 8:45 हो रहे हैं, ऐसे सुनसान है जैसे कोई ना, और जो हवा चल रही है अल्लाह माफ करे, खामोशी खामोशी है। Yeah, I'm coming. स्टेशन की तरफ गामजन है हम दोनों, हैं उस्मान जी, वेट उठा के भागते जा रहे हैं। हाय हाय, और ऐसी कोई ठंडी बर्फ हवा चल रही है, फ्रीज कर रही है। चलें जी स्टेशन आ गया। कुली बन गए। ये देखिए उस्मान को देखे बेचारे, बेटी आगे जा। उस्मान आपको अच्छी डिग्री मिली, अच्छी डिग्री मिली है, कुली बन गए। आगे जी आगे, ट्रेन उस तरफ से जाएगी। फिर आगे जी स्टेशन पे सामान रख दिया, ये देखे ट्रेन जा रही है, और ये हमारा सामान जो कि बाजू टूट गए हैं, इतने भारी बैग हैं, और 10 किलो का आटा भी उठा के। अब ट्रेन पता नहीं है कि नहीं आ गए, उस्मान कह रहे हैं बट नज़र तो कहीं नहीं आ रही, मतलब लिखी हुई कहीं भी नहीं है। उस्मान अब फिर पता कर लेते हैं, लिखा नहीं हुआ, हमारा स्टॉप है ही नहीं अभी तक। वैसे 9 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट रह गए। आज ना मैंने वो नहीं पहनी है, जैकेट नहीं पहनी, और मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही जाती हूँ, देखिए इतनी हवा चल रही है, बालों में बम फट गया, मैंने कहा मैं ऐसे ही जाती हूँ, और ऐसी सर्दी है, मेरा नाक लाल, मेरी आँखें लाल, और मैंने तो बस ये अब तहैया कर लिया है कि अब जो है ना कुछ भी हो जाए जैकेट के बगैर या कोट के बगैर, मैंने अब तहैया कर लिया है, जैकेट कोट के बगैर ना बिल्कुल ही बंदा यहाँ पर ना निकले, और ऐसी ठंड लग रही है। और ये आज मैंने अपना ना शर्ट पहनी हुई है, और ये वाली, और तौबा कर ली है, इसलिए ये वाले कपड़े यहाँ पे बहुत कम पहने जाते हैं, क्योंकि जितना भी अंदर इनर पहना हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ठंड लगती है, ऐसी ठंड लगती है ना, और मेरी आँखें देखें कैसे लाल हो रही हैं। यहाँ पे वैसे येलो लाइट्स हैं तो इस तरह से फील हो रहा है, लेकिन ठंड से मेरा इतना बुरा हाल हुआ है, और मैं कह रही हूँ क्यों मैंने जैकेट नहीं पहनी है, हाथ बर्फ़ हुआ है, सर में ठंड लग रही है, इसके पीछे हुडी भी नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो खैर देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ मैं, अब देखते हैं कि
जो वो है ना ट्रेन, पता नहीं आती है या नहीं आती, क्या होता है। तो लेट्स सी, उस्मान पता कर रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नहीं है ना ट्रेन, चलें फिर बस देखते हैं, कोई भी घर के करीब यार होती है तो देख लेते हैं। ट्रेन नहीं आ रही है, हमें टाइम ज़ाया करना है, 9 बजे का। सेंट्रल, तो ये हम ट्रेन पकड़ेंगे सेंट्रल के लिए। हाँ, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। और हम नहीं जा रहे इतने दूर सिटी सेंटर, चलें बस बस पकड़ के घर। ट्रेन है 9:45 पे, उसके बाद जो यहाँ से जा रही है 11:30 बजे रात को, बस चलें किसी और पे चलते हैं। 9 बज रहे हैं, 2 घंटे क्या करेंगे, ऐसे खामोशी है बस देखें। हाँ चलें निकले, बस नहीं है ट्रेन। खैर जी, हम लोग यहाँ पे आ गए थे बस स्टॉप पे, और यहाँ पे उस्मान तो खैर शुक्र है कि उन्होंने जैकेट मोटी पहनी हुई थी, मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना ठंड से कि मेरी नेक्स्ट डे फिर तबीयत ख़राब हो गई, और मैंने तौबा कर ली कि अब उस्मान भी मुझे बड़ा डांट रहे थे कि पता भी इतनी ठंड है तो क्यों जैकेट जो है ना वो नहीं पहनी। मैंने कहा मैं तो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुई थी कि बस गाड़ी में बैठेंगे लेके फ़ौरन आ जाएंगे, मुझे क्या पता था टायर जो है वो उसमें हवा नहीं होगी। बस उसमें जा रहे हैं, आधा घंटा वेट करने के बाद। तो चलें जी, अब व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। बस इसके बाद हम घर चले गए थे, घर आके मैंने सामान समेटा था, सर्दी से कांपती जा रही थी, बुरा हाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत का सामान था तो वो हम लेकर आ गए। तो ये होती है जी यहाँ की स्ट्रगल, और सबकी लाइफ में होती है, हमारी भी चल रही होती है इस तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।